गमो अपारे गुणों गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्मों नहारे काम क्रोध लोभ मोह मनलीनो निर्गुणों के दाता रे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सदबलहारे। गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगतियों गुरु फतेह प्रवान करो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक बोल आप जी ने श्रवण किया जो के सवई दी बाणी ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बोल ने कि ओ किस तरह प्रतिपालना करता है। पच पशु नग नाग निराधप जिथे किथे पशु हन ते जिथे किथे पंछी हन ते जिथे जिथे भी नग हन। नग कहंदे ने पर्वत नूं ते नाग कहंदे ने सप्पा। निराधप कहंदे ने राजे महाराजे। भावें ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਪੰਛੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੋਣ ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਜਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪੋਖਤ ਹੈ जल में थल में पल में ते अगांदे बोल की हन कल के नहीं कर्म विचार। और देख रहा है जल विच भी देख रहा है वन विच भी देख रहा है धरती आकाश हर एक दे कर्म भी वेख रहा है कि कोई मनुख गुनाह पे करदा है कोई क्रोध पे करदा है कोई हंकार दे गीत गा रहा है। पर साहिब दी उदारता वेखना दीन दयाल दयानिद दोखन देखत है साढ़े गुना देख रहा है पर देत नहारे दे जा रहा है दे जा रहा है। कदे ये नहीं किया कि तू ये गुनाह किया मैं तेन रोजी नहीं देनी कदे नहीं किया दे जा रही। रोज ही राज बिलोकत राजक रोज हर रोज डेली ते राजक किया है परमात्मा साडा राज रोज देखता है। रोज ही राज बिलोकत राजक बिलोकत कहते ने देखना पर कदे ये नहीं सुनिया कि परमात्मा भी गुस्से विच आ गया ते मनुख दी रोजी खो ली रोख रुहान की रोजी न डाले।
इतना वड्डा दयालु, इतना वड्डा कृपालु। ते कई दफा जिवें तास ने उदाहरण दिता कि अपने युग का एक मशहूर ते बहुत विद्वान ते बरीक बुद्धि रखण वाला शायर गालिब कहिंदे ने दार्शनिक विचारधारा दा मालिक सी। वो वखरी गल है जदों हर महीने की तनखा मिलती तो शराब ही लेके आ जांदा सी ते पत्नी कहती है रोटी किस तरह खावांगे जिनी तनखा मिलती है तू शराब लेके आ जांदा है। तो गालिब कहता है पत्नी नू तू रोज कुरान शरीफ पढ़दी है उहदे विच लिखिया होया है अल्लाहू अकबर रोजी देहंद। जदों हर एक नू रोजी दे रहा है अल्लाहू अकबर बहुत वड्डा है वह अकबर तो मुराद वड्डा बहुत वड्डा है रोजी सारिया नू देन वड्डा है ते तेनू तां भी यकीन नहीं है मैनू तां यकीन हो जांदा जे किधरे रब कहिंदा कि मैं तेनू शराब भी दवांगा तू मौज दे नाल पी मैं तो बेफिक्र हो जांदा पर शराब ओ नहीं देंदा मैं आप लेके आया हूं रोजी ओ देंदा है तू फिक्र ना कर। पर विद्वानों ने यह भी कहा कि जे किधरे गालिब शराब का आदि ना होंदा तो लोग उसको पीर करके मनते जिस तरह के उहदे ख्यालात जिस तरह के उहदे विचार। खैर अज का जिहड़ा मूल पाठ है बार ने बलहार ने मैं तेरे ते वारने जाना बलिहार जाना कितनी दफा लख बरिया एक बार नहीं दो बार नहीं लखां बार लखां बार। इत्थे मैं एक छोटा जिहा जिक्र आप जी दे सामने रखा धन भाई नंद लाल जी। आप जी कहंदे सी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कि एक रसना दे नाल गा गा के मन नहीं भरदा ते जितने रोम हन काश उतनियां रसनावां हुंदियां और एक एक रसना दे नाल लखां वारी गांदे लखां वारी। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतने खुश होंदे सी इतने खुश होंदे सी ते कह देंदे सी भाई नंद लाल अज तो मेरा जी करदा है तू कुछ मंग ले महाराज कुछ नहीं चाहिए मेरी तो कामना ही मिट गई मेरा तो संकल्प ही खत्म हो गया क्योंकि कामना नू पैर संकल्प देंदा है मेरा तो खत्म ही हो गया। जिस मनुख की कामना खत्म हो जाए उस मनुख का हिरदा दर्पण हो जाता है। इसको ध्यान दे नाल समझना ते कदी प्रयोग करके देख भी लेना कि मनुख दे कोल इतना वक्त नहीं है कि वह कुदरत दे कोल बैठे इतना समा नहीं है जिवें वगदे हुए दरिया वगदी हुई नदी दे कोल बैठना जा फिर पर्वत दे करीब जाके बैठ जाना जा फिर बनस्पति दे कोल जाके बैठ जाना एक कुदरत दे करीब जा फिर रात नूं ऐसे अस्थान ते सोना के आप जी नूं चंद ते तारे आप जी देखते दे रहो एक कुदरत है। पर अज कित्थे चंद्रमा ते तारे कित्थे दिसदे ने पता ही नहीं बनस्पति दे करीब बैठण दा मौका कित्थे लगदा है समा नहीं है। विशाल दरिया समुंदर झील नदी दे कोल बैठण दा वक्त कित्थे पर जे किधरे नसीब हो जावे तां देखना कि नदी
ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀ ਦਰਪਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਤਾਰੇ ਖੋ ਗਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦਰਪਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦਰਪਣ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੀਏ, ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਪਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਰਪਣ ਬਣ ਗਈ। ਬਸ ਉਸੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਐਡਾ ਹਟਾ ਦਵੋ, ਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਡਾ ਲਗਾ ਦਵੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਕੇ ਆਈਨੇ ਮੈਂ ਹੈ ਤਸਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਜਰਾ ਸੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਔਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਖਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵੋ ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ।
फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक गल आखी, भाई नंद लाल जी, जे तू संगतां दे चरणां दी खाक मंगदा है तो एक दिन ऐसा आएगा संगत तेरे चरणां दी खाक मंगेगी, तेरे चरणां दी। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, एक बार नहीं, बार ने, बलिहार ने, लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को, नाम ही नाम किसदा, साहिब दा। साहिब कहंदे ने मालक नूं, रूहे जमी ते दो तीन रिश्ते हन, एक रिश्ता पिता पुत्र दा, एक रिश्ता पति ते पत्नी दा, एक रिश्ता मित्र दा मित्र नाल, और एक रिश्ता मालक दा नौकर नाल, और एक रिश्ता साहिब दा गुलाम दे नाल। इन्हां नूं थोड़ा जिहा समझ लेना। कई दफा पिता भी कह देंदा है तू मेरा पुत्र नहीं है, ते पुत्र भी कह देंदा है तू मेरा प्यो नहीं है, ते कई दफा पति ते पत्नी दे विचकार भी दरार पै जांदी है, झगड़ा हो जांदा है, मन मुटाओ, तेरा मेरे नाल कोई तालुक घात नहीं है, मेरा तेरे नाल नहीं। मित्र मित्र भी दूजे नूं कह देंदा है कि जे तू मेरे वास्ते कुछ करेगा मैं भी तेरे वास्ते करांगा, नहीं तो फिर तू एक तरफ ते मैं एक तरफ। यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। मालिक अपने नौकर नूं कह देंदा है अज तो बाद नौकरी तेरी खत्म, ते नौकर भी कह देंदा है मालिक नूं मैं तेरी नौकरी नहीं करनी। पर एक रिश्ता ऐसा है जो साहिब दा ते गुलाम दा। हुण गुलाम साहिब नूं छड्ड के कित्थे जाएगा, कित्थे जाएगा? साहिब भी गुलाम नूं हुण कित्थे भेजेगा, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा है। कई दफा जदों राबिया दी गल आप जी दे मैं सामने रखना, जो कि एक ऐसे इलाके तो आप जी दा जन्म होया जो बसरा शहर दे विच आप जी नूं गुलाम बना के वेचिया भी गया राबिया ने। तो जिसने उसनों खरीदिया उन्हां दी सेवा भी करनी और अधी रात नूं उठ के अल्लाह दी इबादत विच जुड़ जाना, बैठ जाना। तो एक दिन मालिक ने पूछ लिया, हे राबिया, तू मेरी गुलाम है, मैं तेरा मालिक, मैं तेरा साहिब, पर एक गल मैनू दस, तू इतना वक्त कढ़ के भी फिर तू किसकी इबादत कर दी है? तो राबिया दे मुख चो शब्द निकले, मैं उसकी इबादत कर दी हां जिसका तू गुलाम है, मैं उसकी इबादत कर दी हां। वो कहिंदा इतने यकीन नाल कह रहे हो, इतने विश्वास नाल कि तू ओदी मोहब्बत दे विच है जिदा मैं गुलाम हाँ, ते चंगा अज तो बाद फिर मैं तेनू गुलामी विच नहीं रखना है, तो उसे दी गुलाम हो जिदा मैं गुलाम हाँ। खुदा निरंकार। तो जदों परमात्मा साहिब हो जावे और असी ओदे गुलाम हो जाइए, मुल खरीदी लाला बोला मेरा नाम सभा, तो फिर जो इस तरह का रिश्ता हो गया तो फिर रब नूं एक किया करो कि हे प्रभु जिस मौज विच रख तेरी मर्जी है, मैं तेरा गुलाम हाँ, तू मेरा साहिब है मालिक। भावें मैनू कुर्सी ते बिठा, भावें मैनू जमीन ते बिठा, भावें मैनू नीवी थां ते बिठा, भावें मैनू उची थां ते बिठा, हूं तेरी मर्जी है।
क्योंकि सब कुछ तेरा ही है, मालिक है तू मेरा साहब। पर हां एक गल हो रहे, जे किधरे बहुत वड्डे साहिब दा कोई गुलाम होवे, कपड़े फटे होण, बेदबी गुलाम दी नहीं है, बेदबी साहिब दी होंदी, मालिक दी होंदी है। ते मालिक कह देंदा है अपने गुलाम नूं, जिथे भी मैं जावां मेरे नाल तू चलेगा, तेरे कपड़े सोहने होने चाहिए ने, मेरे नाल मेरी गड्डी विच बैठ, मेरे वर्गा भोजन खा। क्यों? क्योंकि तेरी पोशाक भी सोहनी होनी चाहिए है, लोग देखणगे तो फिर मैनू भी कहणगे। बस इतनी जी गल है, गुरु नाल जुड़ गए, परमात्मा नाल जुड़ गए तो परमात्मा अपने वर्गा सुख नसीब करा देंदा अपने सेवक नू। क्योंकि परमात्मा नू ईश्वर किया गया, ईश्वर शब्द बनिया है ऐश्वर्य तो, जिदे कोल सारे सुख हन, जिदे कोल सारे दे सारे ऐश मौजूद ने ईश्वर, वो तेनू भी अपने वर्गा बना लेगा, तेनू भी बना। और जे छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा, बाबा बुढ़ा जी ते दुनीचंद ते भाई लहना जी, ये तीनों खड़े ने करतारपुर साहब की धरती है। तो विचार ये चलती है कि भाई लहना गुरु नानक साहब का प्यार तेनों नसीब होया, बहुत ज्यादा प्यार असी भी करते हैं, ते गल नहीं समझ आ रही है कि तेरे ते इतना रुझान, तेरे ते इतनी वड्डी दृष्टि नानक दी, इहदा की कारण है? भाई बाला भी सी कोल, तो भाई लहने ने कहा, बाबा बुढ़ा जी आप जी दसो, पहला आप जी ने गुरु नानक साहब नूं प्रेम कीता ते की समझ के कीता है? तो बाबा बुढ़ा दी रसना चो बोल निकले कि मैं एक ब्रह्म ज्ञानी समझ के उन्हों प्यार करना, इसनों ब्रह्म दा पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि बाबा बुढ़ा भी बचपन तो ही उस परम चेतना दे पुजारी सी। भाई लहना जी कहन लगे कि जेकर गुरु नानक नूं ब्रह्म ज्ञानी समझते हो तो फिर वो आप जी नूं भी ब्रह्म ज्ञानी बना गए ने, बना दिता आप जी नूं ब्रह्म ज्ञानी। भाई बाला जी तुसीं दसो, ते ओ कहन लगे मैं तां गुरु नानक साहिब नूं महापुरुष समझदा। कहन लगे फिर वो तैनूं भी महापुरुष बना दिता, हुण तूं दस भाई लहना तूं गुरु नानक साहिब नूं की समझदा है? तो भाई लहना जी कहन लगे कि धन गुरु नानक साहिब जी नूं मैं खुद खुदा समझना, निरंकार समझना। तो बाबा बुढ़ा जी कहन लगे जे तू गुरु नानक नूं निरंकार रूप समझदा है ते उन्होंने फिर तेनों भी ओही रूप बना दिता है, ओही रूप। तो जिस तरह का प्रेम आप जी प्रभु नाल करोगे अपने वर्गा बना देगा। तो साहिब कहंदे ने, नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया। साडे प्राणा का आसरा कौन है, प्राणा का सहारा कौन है, ये कौन रोकदा साडे प्राणा नूं? असीं सुते पए हां, साडे प्राण काम कर रहे हैं, असीं सुते पए हां, कीता होया भोजन खून बन रहा है, असीं सुते पए हां, साडा हिरदा धड़क रहा है, असीं सुते पए हां ते पूरी दी पूरी क्रिया शरीर दे विच चल रही है। कहिंदे ने समस्त प्राणा दा आधार परमात्मा है, क्योंकि प्राण एक नहीं है, ये ना समझ लेना शरीर दे विच एक प्राण है। कुछ विद्वानों ने इन्हां दी गिणती भी कराई कि पंज प्राण आउंदे ने, एक प्राण आउंदा है जिहड़ा देखण दा ते सुणन दा कम कर रिहा है,
एक प्राण वो है जो कीते हुए भोजन नू पचा रहा है, एक प्राण वो होंदा है जो खून बना रहा है, एक प्राण वो होंदा है जो भोजन तो बाद जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच गए तो उन्होंने शरीर तो फिर बाहर कढ़ देना। तो प्राणा का आसरा वो खुद निरंकार उसनो नमस्कार है, करण करावन तो ही एक। हुण इत्थे ध्यान देना, करण करावन, करण कौन है? तू। करावन साढ़े तो कराने वाला भी तू है, इस शरीर तो जो कुछ भी करा रहा है तू ही करा रहा है। क्योंकि ये जी मैं गल आखी है कि तू ही करा रहा है, तो फिर आप जी ने कहना ज्ञानी जी साढ़े शरीर तो पाप करा रहा है तो फिर वही करा रहा है, तो साढ़े शरीर तो पुन करा रहा है तो फिर वही करा रहा है। तो इस गल में थोड़ा जि समझना, क्योंकि फिलासफिकल विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा। जदों आप जी कहते हो कि हां सब कुछ वही करा रहा है, पूर्ण तौर पर समर्पित हो गए, कहन करके नहीं मन करके भी, और एक दिन वास्ते दो दिन वास्ते नहीं सदीवी वास्ते कह देता कि मैं हूं समर्पित हाँ, तो ही करता है, मैं कुछ भी नहीं। फिर जिंदगी दे विच कदे गुना होएगा ही नहीं, पाप कराएगा ही नहीं, हो ये अटल सच्चाई है। लेकिन असी की कह देने हैं, बहुत सोहना मंदिर बनाया मैं बनाया, और जीवन दे विच कोई घाटा पै गया फिर मनुख की कहता है परमात्मा दा बहाना होया, ओदी मर्जी सी, ओदा हुक्म सी, मैं की करा। हे पुरखा जदों तू किया मंदिर मैं बनाया है, उस वेले क्यों नहीं किया कि ओदा हुक्म होया उन्हें बनाया। ते जिहड़े चंगे कर्म होंदे ने उन्हां दा करता खुद बन जांदा है, जो गुनाह हो जांदे ने उन्हां दा करता रब नूं बना देंदा है कि तू करा ले मेरे तो। जिहड़ा पूर्ण तौर पर समर्पित है वह कहता है मेरे तो गुनाह होया, मेरे तो नहीं होया उसने कराया, फिर वह कहता है जे मैनू सजा भी मिली है वो मर्जी के नाल मिली है, जे मैं स्वतंत्र भी होया है वो मर्जी के नाल होया है। जो पूर्ण तौर पर समर्पित हो गया तो फिर गुनाह निदारद हो गए। पर ऐसे बहुत विरले ने, बहुत थोड़े ने जो पूर्ण तौर पर समर्पित हो जाते हैं। वो कहते ने बस ये तो शरीर एक मिट्टी का पुतला है, माटी को पुतला कैसे नचत नच रहा, बस नचाने वाला कोई होर है। फकीर रिझाई होया तो उसनु जापान का सम्राट पूछण आया कि मैं सुनिया है कि तू निरंकार विच एकमिक हो गया है, तो मैनु कोई सबूत दे। कहिंदा कोई सबूत नहीं, परमात्मा दे विच एकमिक होया जे सबूत मंगना है फिर तू मैनू देख, मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना, मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा सुनना, ये मेरा मेरा नहीं है, सब उसे दा ही है, ये सबूत है। भोजन मैं नहीं खा रहा, कोई होर खा रहा है, देख मैं नहीं रहा, कोई होर देख रहा है, बोल मैं नहीं रहा, कोई होर बोल रहा है, बस यही सबूत है। और ये हकीकत है, जिस दिन मनुख इस अवस्था ते पहुंचता है फिर वह कहता है देखण वाला वही है, सुनन वाला वही है, बोलन वाला वही है, मैं खत्म हो गया। जी जंत की तू ही टेक, हर एक जीव दी, हर एक जंतु दी टेक तू है, आसरा तू है, सहारा तू है। एक दफा भगत धन्ना जी जा रहे सी, जाते जाते मिट्टी का डेला सी, एक उन्हें ठोकर लगी ते दो टुकड़े हो गए मिट्टी के ढेले दे,
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਧ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਤੂੰ ਰਿਜਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਰਾਜਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਰਾਜਕ ਨੂੰ ਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ, ਤੂੰ ਰਿਜਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਰਿਜਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਰਾਜਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਾ, ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। 10 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, 5 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, 1 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਬ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਸਮਾਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
भाई मर्दाना जी, ये बोल मेरे नहीं अन, ये बोल खसम दे अन। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जा फिर कहते ने वाह वाह बाणी निरंकार। हुण निरंकार दे बोल होण, इलाही बोल होण, और खसम दे बोल होण, और गुस्ताखी माफ अनद ना आवे, ये नहीं हो सकता। पर हां एक गल है कि आनंद उसे वेले बरसना शुरू हो जाता है जो बाणी आप जी पढ़ते हो। वह वखरी गल है कि तुसी उत्थे प्रेजेंट ना होवो, आनंद लैण वाला ही ना होवे, तो फिर दोष किसका है। रसना चो पाठ चल रहा है, मन दुकान पे बैठा है। रसना ते सिमरन चल रहा है, मन बाजार विच बैठा हुआ है। रसना ते होर इलाही बोल चल रहे ने, मन किसी दे नाल झगड़ा करदा पिया है। तो जो आनंद बरस रहा है उसनों कौन लेगा। तो आप जी का प्रेजेंट होना भी लाजमी। तो जितनी देर भी बैठो धार्मिक स्थानों ते गुरु दे बोल सुनो पढ़ो, तो उतनी देर तक ये कोशिश करना कि कामना तो रहित हो जाना है। और आप जी का हिरदा एक दर्पण हो जाए, एक शीशा हो जाए। तो साहब कहते ने जी जंत की तो ही टेक, तू ही टेक है हे प्रभु, हे खुदा, हे परिपूर्ण परमात्मा, राज जोबन प्रभ तू धनी। इस राज दा धनी कौन है? धनी तो मुराद मालक, जिसनों असी कह देने धनी। इस राज दा धनी कौन है? साढ़े कोल जिहड़ा राज है इहदा धनी कौन है, मालक कौन है? तू परमात्मा। साढ़े कोल जिहड़ा जोबन है इहदा मालिक कौन है? महाराज तू। इत्थे जनक दा एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखां, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी जनक शब्द आया है, जनक राज वरताया। फिर जेकर उस तों भी होर पिछे जाइए, जो कि 5000 साल पहला जो गीता उचारण हुई है उहदे विच भी जनक राज दा नाम आया, जनक दा जिक्र आया। श्री कृष्ण जी महाराज की मुबारक रसना चो कि जे जीवन बतीत कर ता ऐसा जैसा जनक दा सी। हुण जनक राजा भी सी ते योगी भी सी, राज योगी। सोने दे सिंघासन ते बैठा होया है, पर इस तरह बैठा होया जिवें जमीन ते बैठा होया। सोने दे भांडियां विच भोजन छक रहा है, पर इस तरह भोजन छक रहा है कि जिवें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा राज? हाँ ऐसा राज। कहते ने जे किधरे तेरा जीवन होवे इस तरह का होवे, तो अष्टावकर ने जो कि 12 साल की उम्र विच जनक नू सिख्या दित्ती सी। और जनक दे मुख चों भी शब्द निकले महाराज। 12 साल दे बालक नू कह रहा है महाराज, एक राजा। मैनू शाश्वत दी गल समझा, मैनू सनातन दी गल समझा, मैनू उस दी गल समझा जो थिर है, टिकाऊ दी अवस्था विच है, मैनू ओ दी गल समझा। हुण देखना, कुदरत दे विच जितना भी बदलाव है, जितना भी परिवर्तन है कुदरत दे विच, जा एक चाक वांगू एक कुदरत घूम रही है, पर जिसते सहारे घूम रही है वो शाश्वत है, वो सतनाम है, वो एक ओंकार है, वो अल्लाह है, वो परमात्मा है, जो कि ना दिन विच है, ना रात विच है, ना धुप विच है, ना छां विच है, वो थिर है।
ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਐਕਸਲ, ਹੁਣ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਐਕਸਲ ਥਿਰ ਹੈ, ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਚਪਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨਾ ਆਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਮ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਪਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਕ ਨੂੰ, ਹੇ ਜਨਕ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੀ ਤੱਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਨੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਬਨ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹ? ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ, ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਥਿਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਰਥ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ। ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹੇ ਅਪਾਰਾ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਆ ਕਰਤ ਕਰਤ ਹੋਂ ਕਬ ਹੋਂ
तुम मैं मिलत देहे दर सब हूं, यह निर्गुण रूप हो गया, फिर कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ भी दिस रहा है सब कुछ फिर खत्म हो गया, ये निर्गुण रूप है। हे प्रभु तू निर्गुण तो सरगुने इहा उहा तुम रखे। कहें इथे भी ते उथे भी, यह मालिक तू है। एक विद्वान पुरुष ने, ज्ञानी पुरुष ने, क्योंकि ज्ञानू ज्ञानी धार्मिक दुनिया के उसनों कहते हैं कि ज्ञानी होए सो चेतन होए, उन्होंने ज्ञानी कहते हैं। पर अज त यूनिवर्सिटी भाई कद डिग्री देती है ज्ञानी की उपाधि। तो एक आचार्य की कहता कहता जितनी डिग्रियां होंदिया ने उन्होंने असी हिंदी विच कहते हैं उपाधि, संस्कृत विच भी कहते हैं उपाधि। और उपाधि का धन गुरु ग्रंथ साहब के विच भी जिक्र आया है बीमारी। कहते ने डिग्रियां डिग्रियां नहीं आदियां, उपाधि आदियां नहीं, बीमारियां आदियां नहीं। जितनी जितनी उपाधियां उतना उतना हंकार वड्डा, उतना उतना, क्योंकि उपाधि तो मुराद ही बीमारी है, रोग है। क्योंकि साहब कहते हैं जेता पढ़िया तेता कढ़िया, कढ़िया तो मुराद हंकारी हो गया। पर जिसनों शाश्वत का ज्ञान हो गया, रब का ज्ञान हो गया, वह ज्ञानी है। और ज्ञान की जिहड़ी दुनिया है वह अंतर्मुखी है। तो उस ज्ञानी पुरुष ने किया कि लोक ए है जिथे आप जी बैठे हो, और परलोक है अंदर की दुनिया। अंतर्मुखी होना, उस लोक विच ले जाना जिथे परम शांति। और इसे परलोक की व्याख्या की है भगत रविदास ने, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं ते ठाओ। जिथे कोई दुख नहीं है, जिथे कोई चिंता नहीं है, जिथे कोई चोरी का डर नहीं है, जिथे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। होर तो होर एक ऐसा मुल्क, क्योंकि एक मनुख ने सवाल किया समझ तो बार सी, पर वो कहता जो तो मैंने समझ आई तो मैं हंस पिया। सवाल ये किया वो केड़ा मुल्क है, वो केड़ा शहर है जिस विच जाण दा रास्ता है, वापिस आण दा मार्ग नहीं है। कल के मैं बड़ा हैरान हो गया, वो केड़ा शहर है कि जिथे जाण दा तां रास्ता है, वापिस आण दा रास्ता नहीं है। फिर मैंने समझ आई वो है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। जाण दा रास्ता है जिहड़ा मनुख पहुंच गया, और फिर वापिस आके की करेगा। आप जी ये नहीं कह सकते कि यह मनुख पहला तो ब्रह्म ज्ञानी से हूँ चोर हो गया है। नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया हो गया, गल खत्म हो गई, फिर वह संसारी नहीं रहा ब्रह्म ज्ञानी। पर यह भी ना समझना कि वह ग्रस्त विच नहीं रहेगा, वह बच्चियां नाल नहीं रहेगा, रहेगा संसार की खेड भी खेडेगा, अपना कारोबार भी चलावेगा, कारखाना भी चलावेगा, दुकान पर भी बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ब्रह्म की अवस्था के नाल एक मिक है। कह के मैं गल समाप्ति करना हाँ। गुरु की कृपा ते को लखे, गुरु की कृपा के नाल कोई विरला इस गल नू समझदा है। अंतर जामी प्रभु सुजान, नानक तकिया तो ही तान। नानक दा आसरा, नानक दा माण एक निरंकार है, एक परमात्मा है। तो गुरु साहब ब्रह्मता करन, ये प्यार आप जी ने सारे बख्शिश कर, बाकी विचार कल करांगे। पल्ला चुकां दी खिमा करो कृपा, गुरु सिमरन दे विच जुड़ो जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, अकाल मूरत अजूने सैभं गुर प्रसाद। एको अंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुर प्रसाद। एको अंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत
अजूनी साहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहम गुर प्रसाद वाहे गुरु 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 राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सदगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सदगुरता पाया सहज से ती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जने बसाया है नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे आतो सदा रोहर नाले नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना अब नांगला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रोहर नाले आचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे करता तेरा सब किस है जिस देह सुपावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वस्या वाजे शब्द कनेरे है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दिया ए वडियाइया है नानक सुनो संतो शब्द धरो पियारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांच शब्द तिद घर सबाग है शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वशु कीते काल कंट कुमारिया गुर करम पाया तो जिनको से नाम हर कहलागे है नानक ते सुख हुआ तिन घर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे हर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन भय सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर अबर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलो पावन गुरु पाणी पिता माता दर्द महत दिवस रात दुविधाई दया खिले सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वचे धर्म दूर हरमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया शकत गाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तोटा कोर तुम तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सुआग्याकारी तुमरी गात मेत तुम्हें जाने नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गात मेत तुम्हें जाने नानक दास सदा कुर्बानी एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय
वार श्री भगवते जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लेंदे आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोबिंद राव सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध्या वैधाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली अमृत के दाते सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बलाही वाहे गुरु पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता इतना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसा स्वासा नाल निभाया तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावै चेता उनका सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देख देख फतेह ब्रद की पै पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी दे बोल बाले बोलना ही ओ वाहे गुरु सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसार दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप काल पुरख वाहे गुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो गुरद्वारा ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारे गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण तानियां दे तान नोटियां दी ओट सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती जोदड़ी है आप जी दियां प्यार वालियां संगतां वलों आप जी दे पावन हजूर विखे अमृत वेले तों लै के सवेले तक सोने दीवान सजाए गए हन सजे दीवान च आप जी दी लाही बाणी दे कीर्तन गुरमत विचारां सब पौड़ियां दे पाठ होए बाणी दा भाव विचारां दा भाव संगतां दे हिरदियां विखे वसाउणा सरबत सात संगत दी तिलफुल भेटा प्रवान करनी सरबत नूं दरों घरों नामदान गुरसिखी जन बख्शिश करना साहिबां दे उपदेशां ते चलन दी समर्था बख्शिश करनी संगतां वलों अरदास बेनतियां सरबत दे नौ आप जाणदे हो जिस मनोरथ नूं मुख रख के अरदासां कराउंदे हन गुरमुखां प्यारियां दियां शोभ इच्छावां पूर्ण करनियां संगतां दियां हाजरी लेखे लाउणी सच्चे पातशाह जीओ
ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆ ਉਗਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾਂ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋ ਮਾਇਆ ਆਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤਾਂ ਕੁਏ ਜੋ ਵਰਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਸ਼ਕੇ ਸੁਆਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਠੀਕਰ ਹੋਰ ਦਲੇ ਸਸਰ, ਪ੍ਰਾਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਣ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਪਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਪਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਬੋਲ ਸੁਨੇਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ। रसना हर साध लगी सहज सुभाए, मन तृप्त्या हर नाम ध्याए। सदा सुख साते शब्द विचारे, अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ध्याया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, तनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार।